सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है एक और नए वीडियो पर। सो आज के इस वीडियो में हम इस तरीका का टाइपोग्राफी एनिमेशन बनाना सीखेंगे काइनमास्टर पर। मैंने काफ़ी बार ये एनिमेशन यूज़ किया है अपने वीडियो पर, लेकिन मैंने वो बनाया था हाइपटेक्स एनिमेशन ऐप से, लेकिन अब मैं ये काइनमास्टर पर सिखाऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड को यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड को चूज किया है, तो आप अपने हिसाब से इसका ड्यूरेशन को चूज कर सकते हो। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके आपको थ्री डॉट पे जाना है और डुप्लीकेट एज लेयर कर देना है। उसके बाद आपको इसका कलर को चेंज कर देना है, तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर को चूज किया है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर सेंटर पर फिट कर देते हैं, तो आप भी यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद मैं इस लेयर का ड्यूरेशन को कम कर देता हूँ, जो मैंने अबाउट यहाँ पर अबाउट 3.5 सेकेंड ड्यूरेशन को लिया है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पर अब टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हो। तो मैंने डेमो के लिए यहाँ पर एक डेमो टाइटल ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा बोल्ड टाइप को फॉन्ट चूज करना है। उसके बाद आपको जितना यहाँ पर फॉन्ट का साइज को बड़ा चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हो। उसके बाद इसको अरेंज कर देना है प्रॉपरली। मैं इस टेक्स्ट लेयर का भी ड्यूरेशन को कम कर देता हूँ। मैंने इसका भी अबाउट 3.5 सेकंड को चूज किया है। अब हम इसका एक और डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। अब आपको इसको एडिट करके यहाँ पर अपना नेक्स्ट टेक्स्ट को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद इसको पहले वाले टेक्स्ट के नीचे एडजस्ट करना है और यहाँ पर फॉन्ट को चूज करना है। इस बार आपको यहाँ पर थिन वाले फॉन्ट को चूज करना है। बोल्ड और थिन फॉन्ट का कॉम्बिनेशन देखने में अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने चूज किया है। अब हम ये ऑरेंज वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और अपने टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर इसको क्रॉप कर देंगे, तो आप यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर क्रॉप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर पसंद नहीं आया तो आप फिर से यहाँ पर इसको क्रॉप करके प्रॉपरली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बेस्ट तरीके से एडजस्ट करना है। मेरा ठीक है आई थिंक अब। अब हम इस बैकग्राउंड वाले शेप को यहाँ पर एनिमेट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर इन एनिमेशन पे जाना है और आपको यहाँ पर वाइप राइट चूज करना है और थोड़ा स्पीड को इंक्रीज कर देना है। आउट एनिमेशन के लिए यहाँ पर आप वाइप लेफ्ट चूज कर सकते हो और थोड़ा स्पीड को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। मैं यहाँ पर अब टाइमलाइन को थोड़ा एक्सपांड करूँगा। उसके बाद मैं इस ऑरेंज वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा। उसके बाद इसका कलर को चेंज कर दूँगा। मैंने यहाँ पर पिंक कलर को चूज किया है। उसके बाद अब हम इस पिंक वाले बैकग्राउंड को थोड़ा पीछे एडजस्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर ड्रैग करके इसको पीछे ले आ सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरीका से हमारा एनिमेशन होगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप थोड़ा थोड़ा आगे और पीछे ड्रैग करके इसको प्रॉपरली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कैसे तरीका से यहाँ पर कर रहा हूँ। आई थिंक अब ये मेरे लिए ठीक है। उसके बाद फिर से इसका डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे और कलर को चेंज करेंगे। इसके बाद इसको भी आपको यहाँ पर थोड़ा पीछे एडजस्ट करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आप इजीली ड्रैग करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर पसंद नहीं आया तो आप और पीछे और आगे ड्रैग करके प्रॉपरली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर से एक और डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे और फिर से यहाँ पर कलर को चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर को चूज किया है। आप इसको भी यहाँ पर सिमिलर वे में एडजस्ट कर सकते हो। हम एक और डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। आपको इस शेप को थोड़ा ही पीछे एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको यहाँ पर थोड़ा ही पार्ट को शो करना है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं और थोड़ा आगे ले आऊँगा इस लेयर को। आई थिंक अब ये मेरे लिए परफेक्ट है। मैं अब आपको यहाँ पर लेयर का अरेंजमेंट शो करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर पर है लेयर और हमने इस टेक्स्ट लेयर को एडजस्ट नहीं किया है अभी। अब हम लास्ट पार्ट पे आएंगे और यहाँ पर आपको इस ऑरेंज वाले पे एक मार्क करना है और नेक्स्ट आपको यहाँ पर पिंक पर भी मार्क करना है और सिमिलरली आपको यहाँ पर सभी यहाँ पर शेप पर मार्क कर देना है। तो मैंने लास्ट पर इस पर्पल वाले शेप पर मार्क कर दिया है। अब आपको इस ऑरेंज वाले पोजीशन पर आना है और इस पर्पल वाले शेप को इस ऑरेंज वाले पोजीशन पर एडजस्ट कर देना है। अब आपको इस ब्लू को थोड़ा पर्पल से थोड़ा आगे एडजस्ट करना है, आप देख सकते हो। और आपको नेक्स्ट पोजीशन पर जाना है और इस शेप को इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। और आपको यहाँ पर इस पिंक को थोड़ा आगे एडजस्ट करना है, तो आपको इस
तरीका से इस साइड पर भी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है। सो इससे आपका यहाँ पर आउट एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्मॉल वाली स्क्रीन पर भी, तो इस साइड पर भी आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है। सो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिजल्ट। तो थोड़ा हमें इस ब्लू वाले लेयर को एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सो थोड़ा इसका ड्यूरेशन को यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। सो अब हमारा ये परफेक्ट है, आप देख सकते हो। आप भी यहाँ पर इसी तरीका से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। सो ये मार्क के हेल्प से आप यहाँ पर इजीली एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मार्क करने के लिए बोला है। तो हमारा इस एनिमेशन रेडी है। सो अब हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। सो पहले तो अपना टेक्स्ट को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा पीछे इस टेक्स्ट लेयर को यहाँ पर एडजस्ट किया है। आप यहाँ पर टाइमलाइन को थोड़ा जूम करके यहाँ पर प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो। सो सिमिलर वे में आपको यहाँ पर सेकंड टेक्स्ट को भी एडजस्ट करना है। अब हम यहाँ पर इंड सेक्शन पर भी एडजस्ट कर लेते हैं। सो शेप से थोड़ा छोटा करके आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। सो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आपको इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और थ्री डॉट पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है, और सिमिलरली नेक्स्ट टेक्स्ट को भी कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट को देख सकते हो। अब हम इस टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इन एनिमेशन पे जाके आपको यहाँ पर वाइप राइट कर देना है, और यहाँ पर स्पीड को भी 0.2 से इंक्रीज कर देना है, और सिमिलरली आपको आउट एनिमेशन भी यहाँ पर चूज करके स्पीड को 0.2 से इंक्रीज कर देना है। सो आपको यहाँ पर नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए डिफरेंट एनिमेशन चूज करना है। सो इन एनिमेशन पर आपको यहाँ पर स्लाइड अप चूज करना है और स्पीड को इंक्रीज कर देना है, और सिमिलरली आपको यहाँ पर आउट एनिमेशन पर स्लाइड डाउन चूज करना है और स्पीड को भी इंक्रीज कर देना है। तो हमारा यह टेक्स्ट का एनिमेशन भी रेडी हो चुका है। अब हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस टाइमलाइन को आप एक्सपांड करके यहाँ पर प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो। सो ये लास्ट वाले शेप अपीयर होने के बाद आपको इस टेक्स्ट को अपीयर करना है। उस तरीका से यहाँ पर आप इस को एडजस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस शेप एनिमेट होने के बाद हमारा टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है, और आपको यहाँ पर दोनों टेक्स्ट लेयर को सेम पोजीशन पर एडजस्ट कर देना है। सो मैंने यहाँ पर दोनों टेक्स्ट लेयर को एडजस्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। सो हम एंडिंग पार्ट पर भी एडजस्ट करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पर प्रॉपरली एडजस्ट नहीं है तो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। सो आप हमारा लेयर का अरेंजमेंट देख सकते हो, दोनों साइड पर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। तो आपको भी यहाँ पर इसी तरीका से अरेंज करना होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब हमारा रिजल्ट आप देख सकते हो। सो आप ये वीडियो एज ए टेम्पलेट के रूप में यूज करके यहाँ पर इस टेक्स्ट को एडिट करके और भी काफ़ी सारे यहाँ पर इसका एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। सो मैं मेरा प्रोजेक्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप अगर चाहते हो तो उसको डाउनलोड करके भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो आपको अगर इस तरीका के और एडिटिंग और एनिमेशन सीखना है तो आप ये मेरा राइट वाले प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।